अम्मी रेहान। अरे रेहान बेटा, दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। मैं जा रहा हूं अम्मी। और आप मेरे फैसले को बदलने की कोशिश मत करना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी। आपने जैसा चाहा मैंने अपनी पूरी जिंदगी वैसे ही जिए। अपनी खुशियों की कोई परवाह नहीं, बस आपके लिए। लेकिन अब और नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज चाही थी और आपने तो मुझसे वो भी छीन लिया। मैंने आपको अपने दिल की बात बताई ये सोच के कि आप मेरी अम्मी, आप मेरी बात समझ जाएंगे। लेकिन आपने आपने मुझे किसी दुश्मन से भी बड़ा धोखा दिया। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं तो आपको ये बताने आया था कि मैं जा रहा हूं। मैं आपसे और आपकी दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। हमारा निकाह हुआ, इसका मतलब समझते हो तुम? सना, मैं तुमसे बात कर, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है कि हम दोनों एक ऐसे बंधन में जुड़े हुए हैं जिसमें रहने के लिए ना तुम तैयार हो और ना ही मैं, लेकिन फिर भी तुमने हां की। ऑन व्हाट बेसिस सनम? क्या सोचकर तुमने हां किया? निकाह का मतलब समझती हो तुम? निकाह का मतलब है कमिटमेंट। ना मैं तुम्हें दे सकता हूं और ना तुम मुझे, लेकिन सच तो यह है कि अब हमें एक दूसरे की जिंदगी शेयर करनी पड़ेगी, एक दूसरे की किस्मत शेयर करनी पड़ेगी। ये कमरा, ये क्या सोचकर हां किया था तुमने सुना, या बिना सोचे समझे तुमने हाँ कर दिया था? इस बात का एहसास नहीं हुआ तुम्हें कि ये जो कुछ हो रहा है एक इतना बड़ा झूठ है? लेकिन इन हुआ, भूल गया मैं कि यही तो तुम्हारी असलियत है, कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। ये सब कुछ पैसों के लिए किया था ना तुमने? आपने भी तो पैसों के लिए किया है ये सब कुछ। आपने क्या सोचकर सबके सामने एक मुलाजिम के साथ निकाह करने के लिए हाँ कर दी? क्यों कहा आपने कि आपको ये निकाह कबूल? इसीलिए ना ताकि वसीयत आपके नाम हो जाए? बिल्कुल नहीं। मैंने हाँ किया क्योंकि मैं तुमसे क्या मैं तुमसे जस्ट फॉरगेट इट, तुम नहीं समझोगी। हाँ मैं नहीं समझूंगी, मैं कैसे समझ सकती हूँ? इस दुनिया में एक इकलौते समझदार तो सिर्फ आप ही है ना, और अगर इतने समझदार थे तो क्यों ऐसे रिश्ते के लिए हाँ कि जिससे आपको इतनी तकलीफ थी? आप कभी नहीं समझ सकते कि मेरे ऊपर क्या बीती है, किस हालात में मैंने आपके साथ निकाह किया है। आपको दूसरों की बर्बाद नहीं है और मैं आपके जैसे बिल्कुल नहीं हूं। ऑफ कोर्स, बहुत खुददार हो ना तुम, जिससे सिर्फ अपनी इज्जत से प्यार है
अपनी खुददारी के सामने किसी को कुछ नहीं समझती हो तुम। लोगों को तुमसे सीख लेनी चाहिए। सबको बेवकूफ बना सकती हो तुम, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो। मैं तुम्हारा असली चेहरा पहचान चुका हूं। ये निकाह करके एक चीज तो साबित कर दी तुमने कि पैसों की चमक से अच्छे अच्छे अंधे हो जाते हैं। क्या हुआ, अब चुप क्यों हो तुम? Why you quiet? खामोश क्यों हो तुम? Let me tell you one thing. तुम खामोश हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सही हो। खामोशी का मतलब अक्सर ये होता है कि इंसान की असलियत सबके सामने बाहर आ गई है, उसके पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं बचा है। क्या देख क्या रही हो ऐसे तुम? ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो तुम मुझे? Stop staring. सनम, एक बात कान खोल के सुन लो। हमारी तकदीर ने हमें एक दूसरे से मिलाया है, लेकिन हमारे दिलों को कभी नहीं मिला सकता। हम ये रूम शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम ये जिंदगी बिल्कुल नहीं शेयर कर सकते। लोगों की नजरों में हम मियां बीवी हैं, लेकिन हम एक मियां बीवी की तरह बिल्कुल नहीं रहेंगे। Do you understand that? Is that clear, सनम? कोई शौक नहीं है आपकी बीवी बनके रहने का। मैं ही जानती हूँ कि मैंने आपके साथ ये निकाह कैसे किया। और रही बात जिंदगी की, तो अगर किस्मत ने चाहा ना तो मैं बहुत जल्द आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी हमेशा के लिए, समझे आप? अगर जिंदगी एक साथ नहीं बितानी तो क्या कर रहे हैं हम यहां पर? क्या कर रही हो तुम यहां पर? सब्र का फल वो होता है मौत। वो मीठा मीठा। अरे क्या मीठा? अरे हमने कितना सब्र रखा वो दौलत को पाने के लिए जो निदा हमें आराम से दिला सकती थी, लेकिन कमबख्त वो न जाने कहाँ गायब हो। अरे उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मीठा वो तो है, लेकिन सुनिए जी, अब जो नहीं हुआ उस पे रोने से तो अच्छा है कि शुक्र मनाओ बेगम साहिबा को यह सब पता नहीं चला। अब कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेंगे हम लोग, लेकिन तब तक इन पकवानों का लुत्फ उठाओ। ठूसो ठूसो। शुक्रिया बेटा। कोई नहीं, मैं अपने आप ले लूंगा। अरे आहिल बेटा, सरम इतने प्यार से सर्व कर रही है तो उसे करने दो ना। और वैसे भी ये रमजान का पाक महीना है, इसमें इंसान को दुश्मनी शिकवे शिकायतें ये सब भुलाकर प्यार से रहना चाहिए। और वैसे भी बेटा, आज तो बहुत मुबारक दिन है। आज हमारी सनम का बहू के तौर पर पहली सहरी है।
पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।